या तो इंडिया पाकिस्तान का कुछ देखा होगा, या आपने डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड कोई कोर्स देखा होगा, या थर्ड चांसेस है कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ये तीन केसेस, तो ये जब आपको वीडियो दिखाया जा रहा है तो यूट्यूब ने सेम चीज डेटा एनालिटिक्स का रोल प्ले किया है। उसने स्टडी किया कि आपने पास्ट में क्या देखा है, यानी आपकी रुचि किसके अंदर है आप देखने में। सेम उसी के हद में कोई कंटेंट ऐसा है क्या कि जो सिमिलर कंटेंट है उस डायरेक्शन, वही कंटेंट ढूंढ के आपको दिखाया जाता है। और ये चीज जो पूरी स्टडी होती है उसे कहते हैं डेटा एनालिस्ट। वीडियो स्टार्ट हुआ था जरूर क्रिकेट से, लेकिन हमारा मकसद था कि डेटा एनालिटिक्स का रोल आज के टाइम पे कितना क्रूशियल है। आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, कोई भी, वो हर कंपनी का बैकबोन होगा, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। कौन सा डेटा कितना यूजफुल हो सकता है वो सिर्फ डिपेंड करता है कि उसका जो एनालिस्ट है वो कितना पढ़ा लिखा है और उसकी रुचि और उसका डेप्थ में कितना वो जा सकता है। आजकल सबको पता है डेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन उस डेटा में से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ढूंढना या जो भी रिजल्ट्स जो कि कंपनी के बेनिफिट में हो वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिटिक्स का एक पार्ट मशीन लर्निंग भी हो सकती है, मीन्स काइंड ऑफ है कि अगर सारे रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिक करने हो तो वो जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन लर्निंग। एक स्पेसिफिक आंसर ढूंढना है आपको कि एक स्पेसिफिक आंसर में ढूंढना है कि ये डेटा है और मुझे ये चीज ढूंढनी है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, सपोज ऐसा कुछ है, तो वो हो जाएगा स्टेटिस्टिक्स। और थर्ड, आपको पता ही नहीं है आपको क्या ढूंढना है, बहुत आपके पास डेटा है और आप डाइविंग कर रहे हैं कि भाई एक बार देखें तो सही डेटा क्या है, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उस डेटा से, वो होगा डेटा एनालिटिक्स। इस केस के अंदर जैसे हमने जो डिस्कस किया था क्रिकेट मैच का, हमारे पास क्या था, एक हमारे पास डेटा था कि कौन सी कंट्री ने किस कंट्री के सामने खेला है, कहां पे खेला है, कौन टॉस जीता था, कौन किसने बैटिंग की, किसने बॉलिंग की, और रिजल्ट्स क्या आए थे उसके। अब जब हमने स्टार्ट किया था तो अगर हमारा रोल ये होता कि हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन जीतेगा और जीतना टॉस पे डिपेंडेंट है क्या, और अगर हम दोनों को प्रूव करते दैट मींस इट वॉज स्टेटिस्टिक्स। लेकिन हमारे स्टार्ट के अंदर हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं किए, हमने सिर्फ ये कहा कि ये हमारे पास डेटा है, लेट अस अज्यूम कि हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं डेटा से, तो वो जो पढ़ाई होगी उसे हम कहेंगे डेटा एनालिटिक्स। और थर्ड, अगर ऑटोमेट हम कर दें कि अपने आप आंसर्स मिलने लगे फ्यूचर क्वेश्चंस के, तो उसको कहा जाएगा मशीन लर्निंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, आपको पता चला हो कि डेटा एनालिटिक्स क्या है और उसका डिमांड कितनी सुपीरियर है आज के टाइम में। उसी के साथ आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहा हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।